हेलो चागला। हेलो बुरक। व्हाट्स अप? क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है, गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रही हूँ? डिन्स अभी गोल्फ क्लब में मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे तुम्हारी फ्रंट पेज वाली फोटो दिखाई जिसमें मेरा बॉयफ्रेंड किसी अनजान लड़की का हाथ पकड़ कर खड़ा है। आज तक मैं इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई थी। जैसे तैसे मैं वहाँ से निकली हूँ। अब इस बार तुम क्या कहोगे? इस बार तो मामला बिल्कुल साफ है। तुम मुझे गलत समझ रही हो जान। तो फिर सच क्या है? अब फिर से मुझे ये मत कहना कि वो लड़की भी वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। हाँ है, वो सच में है। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। कल रात क्लब में उनका झगड़ा हो गया, इसलिए हम दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए, और कुछ भी नहीं। तो बाहर निकलते वक्त उसका हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? तुम साफ झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन मानो, हुआ यूँ कि बाहर निकलते वक्त वो गिरने वाली थी, मैंने बस उसका हाथ पकड़ा। यार क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी यकीन नहीं है? ओह तो उसका नाम आसली है। क्या मैंने आसली कहा? हाँ तुमने यही कहा, उसका नाम आसली है ना? हाँ सही कहा। आई थिंक हमें मिलकर बात करनी चाहिए बुरक, और मैं आसली से भी मिल लूंगी। तुम यहाँ आ रही हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रेट, तो फिर वहाँ आने के बाद मिलती हूँ। कितने बजे पहुँच रही हूँ बता दूंगी। ओके सी यू। ये क्या नई मुसीबत आ गई। तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? मैं वापस इस्तांबुल जा रही हूँ। क्या बात है? क्योंकि नौकरी से निकाल दिया। क्या, पर क्यों? उस बेवकूफ की वजह से निकाल दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? वोल्कन की कोई गर्लफ्रेंड है। क्या, लेकिन तुमने तो कहा था वो तुम्हें भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ एक महीना भी नहीं हुआ और उसने दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। वो किसी के साथ है इसका ये मतलब नहीं वो मुझे भूल गया है। मैं जब चाहूँ उसे वापस ला सकती हूँ। तो ठीक है, फिर आप हमारे प्लान के मुताबिक कल सुबह से रूफ बार का काम शुरू कर दीजिए। यस गुड। मैं वैसे सारे एम्प्लॉयज को खबर कर दूंगा। तो मैं चलता हूँ, कल सुबह हम मिलते हैं। ओके और हाँ गुड लक। आज मेरी याद कैसे आई? ए छोटी कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, मैं जानसू के साथ हूँ। हम बाहर हैं, कैफे में लंच करने जा रहे हैं। तुम बताओ कैसे हो, होटल में सब कैसा है? हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ भैया। क्या बरिस हुआ है? मेरे सामने खड़ा है। वेलकम गर्ल्स। हेलो। थैंक यू बरिस। वोल्कन भैया तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उसे कहो मैं आज रात बोर्डरूम आ रहा हूँ, मुझे अपने होटल का लोकेशन भेज दे। हाँ मैं भेज दूंगा। उसे कहो आ जाओ। उन्होंने कहा इट्स ओके। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? नहीं, शायद मैं भी बोर्डरूम आ सकती हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो? ऐसे ही, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ इसलिए आना चाहती हूँ। देखो ओपनिंग कुछ दिनों के बाद है, तुम तभी डैड के साथ आ जाना ठीक है? क्या मैं आज ही आ सकती हूँ? बरिस के साथ आ जाऊँ प्लीज? हाँ कह दो। तुमने बरिस से पूछा पहले? बेवकूफी क्यों कर रही हो तुम? तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं अकेले जा रहा हूँ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। बरिस कह रहा है मैं उनके साथ आ सकती हूँ। एडा देखो जिद करना बंद करो प्लीज भैया। तुम बेचारी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं उसे साथ ले आऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है तो फिर उसे अपने साथ ले आना। ओके देन सी यू। ओके सी यू। और हाँ मुझे लोकेशन भेजना मत भूलना। हाँ हाँ अभी भेजता हूँ। हाँ तो फिर मिलते हैं। हमें परमिशन मिल गई प्रिंसेस। ठीक है तो फिर मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। जरूर, मैं तुम्हारा टिकट बुक करता हूँ और एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है जल्दी मिलते हैं। ओके बाय बाय। मुझे यकीन Hello, नहीं होता welcome. तुम सीरियसली परेश के साथ बोर्डरूम जा रही हो। लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। दिल कर रहा है कि चीख चीख कर सबको बता दूं कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। क्या वो हमें देख रहा है? वेलकम। वो अंदर चला गया। यकीन ही नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सामान पैक करना है, चलो पहले शॉपिंग करते हैं।
मैं बहुत सारे अच्छे कपड़े खरीदना चाहती हूँ। तुम भूल रही हो तुम्हारा भाई वहाँ होगा। अरे हाँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि भूल ही गई थी। पर उसने तुम्हें पूल में कैसे खींचा? तुम डूब सकती थी। हाँ जानती हो मैं कितना डर गई थी, ऊपर से मेरी जॉब भी गई, वो भी दूसरी बार। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा मत कहो और नेगेटिव सोचना भी बंद करो, हम तुम्हारे लिए दूसरी जॉब ढूंढेंगे। तुम इस तरह से घर नहीं जा सकती हो, वो भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। सोचा है मेरा क्या होगा? लेकिन मैं तो यहाँ रह भी नहीं सकती ना। पर वोल्कान भी तो यहाँ पर है, क्या तुम ये मौका गंवाना चाहती हो? कौन सा मौका गोंचा, वो तो इस होटल का कस्टमर है और मैं तो एक दिन भी इस होटल में टिक नहीं पाई। मुझे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, टूटने के बाद बहुत दर्द होता है। ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम अभी जा रही हो क्या? मॉम को कॉल करके पैसे मांगूंगी, पैसे मिलते ही निकल जाऊंगी। रुको अभी उन्हें कॉल मत करना। कहाँ जा रही हो? यहीं रुको मैं बस अभी आती हूँ। हेलो वेलकम। हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बोलो। इसकी क्या कीमत होगी? अब वो कहाँ चली गई? वैसे भी वो कभी मानेगी तो नहीं, चाहे जो जाए मैं ट्राई तो करूंगा। मिस्टर बुराक, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। आई एम सॉरी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हमने उस एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। क्या कहा? हमने उसे निकाल दिया। अरे पर क्यों निकाला, मैंने थोड़ी कोई कंप्लेंट की थी। लेकिन जिस तरह उसने आपके साथ बात की। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या वो अभी भी होटल में, उससे बात कर सकता हूँ? मैं अभी चेक करके आता हूँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी। तुमने पैसे कहाँ से लाई? तुम वो सब छोड़ो और ये पैसे रख लो, अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुमने अपना ब्रेसलेट बेच दिया गोंजा। वो तुमसे कीमती तो नहीं था ना? मैं जानती हूँ वो तुम्हें कितना पसंद था, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आसले, तुम अगर ये पैसे नहीं लोगी तो मुझे बुरा लगेगा। वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी और तुम्हारे पैसे भी चोरी हो गए, इसलिए प्लीज ले लो। तुम मुझसे ये पैसे लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या असली अपने कमरे में है? मुझे उससे अर्जेंटली बात करनी है। उसने अभी कमरा खाली किया है, वो अब तक तो बाहर चली गई होगी सर। ओके आइली, थैंक यू। वो मिली ना? वो अभी होटल छोड़कर चली गई होगी। मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, काश तुम्हें ऐसे जाना नहीं पड़ता। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। उनकी कोई गलती नहीं है, वो नहीं जानते वहाँ क्या हुआ था। एनीवे जो हो गया सो हो गया, तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई। और मैं भी। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोंजा को तुम्हारे हवाले छोड़ जा रही हूँ, ध्यान रखना उसका। बिल्कुल रखूंगा। असली मुझे रोना आ रहा है। प्लीज अब तुम मत रोना। तुम्हारी कैब आ गई। थैंक यू। ये लीजिए। काश तुम रुक जाते। ओके, अच्छे से जाना और घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। हाँ पहुंचकर मैं कॉल करूंगी। हाँ।
रुको। वो टैक्सी में तुम्हारी दोस्त थी ना, तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? वो एयरपोर्ट जा रही है, किसी बेवकूफ की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। वैसे तुम हो कौन और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? थैंक यू, मुझे एक कैब चाहिए। अभी बुलाता हूँ बुरक सर, आप अंदर वेट कीजिए, कभी कभी टैक्सी आने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी करना। एक मिनट रुको। लेकिन मिस्टर बुराक, मुझे ये कार चाहिए अब। लेकिन ये कस्टमर की कार है सर। जल्दी आ जाऊंगा। ब्लू कलर यहाँ सूट नहीं करता। वो डिसीजन तो आपको लेना है मैम। मैं सैल्मन और पर्पल में कंफ्यूज हो रही हूँ। आई गेस पर्पल सूट करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ सही कहा तुमने। हेलो। हाय, वेलकम चार्ला। देखो लिड्स का कलर डेफिनेटली गोल्डन होना चाहिए, समझ गई? यस मैम। तो तुम्हें क्या लगता है चार्ला, कौन सा कलर सूट करेगा? पर्पल बेटर है। ओह ग्रेट, तो पर्पल फाइनल करते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एज योर विश मैम। चार्ला इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मॉम आज मैं बॉडरूम जा रही हूँ। अब बुराक का कॉल आया था? हाँ। अरे वाह, मतलब तुम दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बुराक की फिर से फोटो छपी है और इस बार वो किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए है। यकीन नहीं होता। और उसने इस बार में क्या बहाना बताया? उसने कहा कि वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है, उसका नाम आसली है। मैं खुद उससे बात करूंगी और पता करूंगी क्या वो सच कह रहा है। मैंने उससे बोल दिया कि मैं आज आसली से मिलने बॉडरूम आ रही हूँ। तो क्या कहा उसने? वो क्या कहेगा, वो तो बस थोड़ा हड़बड़ा गया था, पूछ रहा था कि मुझे उस पर यकीन है या नहीं। मुझे लगता है कि बुराक झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम जाओगी तो बेहतर होगा। उस लड़की से मिलकर तुम्हें बेहतर लगेगा, प्लस तुम्हारा वेकेशन भी हो जाएगा। वैसे भी हम होटल ओपनिंग के लिए तो जाने ही वाले थे, तो तुम पहले चली जाओ और उससे मिल भी लेना। होटल की ओपनिंग है? ओह, और आपको ये कैसे पता चला? मिस्टर सिन्हान ने इनवाइट किया है। लेकिन मिस्टर सिन्हान ने तुम्हें कॉल करके क्यों इनवाइट किया? क्यों नहीं करेंगे, हम एक साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, आज के बाद हम उन्हें बाथरूम केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और कल हमारी इस बारे में मीटिंग भी होने वाली है। मतलब कल आप इस्तांबुल जा रही हो? वैसे तो मैं कल जाने वाली थी, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो मैं भी आज ही तुम्हारे साथ इस्तांबुल चलूंगी। और आज जा ही रही हूँ तो सल्डा से भी बात कर लूंगी। किस बारे में बात करने वाली हो? यही कि ये साल खत्म होने से पहले तुम्हारी सगाई हो जानी चाहिए, इस तरह लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे और तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तो हो सकता है कि बुराक भी सुधर जाए, है ना? मुझे नहीं लगता बुराक सगाई के लिए तैयार होगा मॉम। बुराक क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सेल्डा और मैं उसे संभाल सकते हैं। वैसे भी न्यूज पढ़कर वो बहुत गुस्सा हो गई होंगी, मुझे यकीन है सेल्डा मान जाएगी, तुम चिंता मत करो। क्या उस कार में तुम्हारा कोई दोस्त है? ये यहाँ भी आ गया, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता? मैं उसे नहीं जानती, आप स्पीड बढ़ाइए। सुनाई नहीं दे रहा क्या? गाड़ी रोको प्लीज। अरे बहुत जरूरी काम है, प्लीज गाड़ी रोको, मुझे बात करनी है। नहीं रोकूंगी। प्लीज जिद मत करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम कितने जिद्दी हो। सुनिए प्लीज, एक मिनट के लिए टैक्सी रोकेंगे, कुछ बात करनी है। हाँ रोक दो।
चाहिए हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, मैं मरने वाली थी, अब और क्या चाहिए? देखो आई एम वेरी सॉरी, पर तुमसे मिलके भी ना मेरा कोई खास फायदा नहीं हुआ है। कल रात का झगड़ा और जो मेरी शर्ट पे उल्टी की थी याद है ना? एनीवे, मैंने होटल वालों से बात की है, तुम वहां दोबारा काम कर सकती हो। ये बताने के लिए तुम यहां तक आए हो? अरे नहीं नहीं, कोई और बात है। मुझे मेरा बैग दो। चलो मेरे साथ, आराम से बात करते हैं। बैग छोड़ो, मेरे सूटकेस को हाथ मत लगाना। रुको, अरे अरे रुको, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी टैक्सी भी चली गई, अब मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम आ रही हो या नहीं? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, तुम आना चाहती हो या नहीं? अब खोलो इसे। अब बताओ क्या बात करना चाहते हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तो एयरपोर्ट जाना है। तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल गई है तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओफ, जब से मैं तुमसे मिली हूँ एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा है मेरा। मुझे प्लीज एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। शॉर्टकट है। फाइन, अब बोलो कि क्या बात करनी थी। यही होना बाकी था यार। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कीचड़ में फंस गया। मैंने कहा था तुम कार यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब हम क्या करेंगे? हाँ, तुम चुप रहोगी ताकि मैं कुछ सोच सकूं? आसली, तुम स्टीयरिंग संभालो प्लीज। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं। तो तुम्हें आता क्या है? तुम एक काम करो, स्टीयरिंग पे बैठो, मैं बताता हूं क्या करना है। कार ऑटोमेटिक है यार। ओके, बोलो अब क्या करना है। कार ऑलरेडी चालू है तो तुम पहले हैंड ब्रेक नीचे करो। हैंड ब्रेक तो पता है ना कहाँ है? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे पता है। किया नीचे? देखो मुझ पर चिल्लाओ मत, मुझे मिल नहीं रहा। हाय असली, कहाँ है? हाँ, अब धीरे से राइट वाले पेडल पर प्रेशर दो, एक्सेलरेट करो। हाँ हाँ, तुम सही कर रही हो, थोड़ा और। हाँ हाँ, दबा रही हूँ। कम ऑन, और जोर से, रुकना मत। ओके, एक बार और।
हे तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी कार ठोक दी। ये कार मेरी होती तो अच्छा होता। तो ये कार किसकी है? क्या पता, तुम्हारे पीछे आना था इसलिए एक होटल कस्टमर की कार ले ली, पता नहीं किसकी है। मतलब तुमने चोरी की और मैंने चोरी की कार ठोक दी, अब मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। मधुमक्खिया, चलो जल्दी भागो। जल्दी चलो, बीस पानी में नहीं आ पाएंगे, आ जाओ। मैं पानी में नहीं जा सकती। देखो तुम प्लीज डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस डर के मारे मुझे मत डुबा देना। अब चलो जल्दी आ जाओ। अब ये कहां मर गया? चाला, क्या तुम तैयार हो बेटा? हाँ। मैंने ड्राइवर से कह दिया है तुम 2 घंटे के बाद निकल सकती हो। ठीक है मॉम। तुमने बुराक को बता दिया? फोन किया था लेकिन उसका फोन ऑफ है, बाद में ट्राई करूंगी। तो क्या आप इस्तांबुल जा रही हो? हाँ मैं बस कुछ ही देर में चली जाऊंगी। आपने सेल्डा आंटी को कॉल किया? नहीं, पहले तुम उसे कॉल करो और पूछो वो कैसी है, ठीक है? और उसे बताना मत भूलना कि तुम बुराक से मिलने बोधरूम जा रही हो, उसे लगना चाहिए तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। क्या ड्रेस की साइज स्मॉल हो गई है? नो मैम। लेकिन पहले तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे फिट होते थे। हाँ बोलो बेटा। हेलो सेल्डा आंटी, आप फ्री तो है ना? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ बेटा। अपनी सुनाओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ, जरा बाहर आई हुई हूँ। तुम्हें तो पता है ना हमारे होटल की ओपनिंग है, तो बस यहाँ शॉपिंग करने चली आई। तुम और तुम्हारी मॉम आ रहे हो ना? हाँ, लेकिन आज रात मैं बॉर्डरूम जा रही हूँ। ओके बेटा, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? मैं बुरक से फेस टू फेस बात करने जा रही हूँ। मुझे यकीन है आपने आज की न्यूज़ पढ़ी ही होगी। हाँ पढ़ी तो थी। तुम ब्रेकअप करने तो नहीं जा रही? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आई होप बुरक मुझसे झूठ ना बोल रहा हो। मुझे पूरा यकीन है, जो हुआ उसे लेकर बुराक बहुत टेंशन में है। उसने कहा मुझसे कि वो बिल्कुल निर्दोष है और बुराक कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। यकीन करो मेरा। हाँ आंटी, देखते हैं। आंटी वो मॉम बात करना चाहती हैं। सी यू। हेलो एल्चिन, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं आज रात इंस्तान बुला रही हूँ, और अगर तुम फ्री हो तो हम कॉफी पर मिल सकते हैं। ओह रियली? तो पक्का मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने ड्राइवर भेज दूंगी। ठीक है। थैंक्स, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके डियर, तो फिर मैं डिनर पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय डियर। वो जरूर बुराक के बारे में ही बात करना चाहती है। ओ, मुझे जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई करवानी पड़ेगी, तभी ठीक रहेगा। आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है मैम? ओ हाँ, ड्रेस तो मुझे पसंद आई, लेकिन साइज थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे। देखो ये देखो, पता चला? मेरा फोन तो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें वापस कार के पास जाना होगा। मेरा बैग, मेरे सूटकेस, मेरा फोन सब कार में है। मैं वापस वहाँ नहीं जाने वाला। चलो हाईवे पर जाकर लिफ्ट मांगते हैं, कार बाद में ले लेंगे। एक मिक्स्ड फ्रूट जूस लाना। जी अभी लाती हूँ। उन्हें एक फ्रूट कॉकटेल चाहिए। hmm.
गुंजा, ठीक तो हो? हाँ। तुम्हारी असलो से बात हुई, वो सेफली पहुंच गई ना? किया था पर उसने उठाया नहीं। उफ, वो यहाँ से क्यों चली गई? तुम कुछ बताने आए थे क्या? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और आज होटल में समर पार्टी भी है, तो मैंने सोचा कि अगर तुम कुछ और नहीं कर रही हो तो क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ? और मैं यहाँ आने के लिए खुद को कोसे जा रही थी, बस 2 घंटे बाद मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगी। ओके, तो आज शाम को पार्टी में मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। अच्छा है, आयरदम के साथ टाइम पास हो जाएगा। ओ असलम, तुम एक और रात यहाँ पर नहीं रुक सकती थी क्या? ड्रिंक रेडी है। ये आवाज मेरे पेट से आई है, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। लगता है काम बन गया, चलो आ जाओ। हम किसी के बगीचे में चोरी छुपे क्यों आए हैं? हाँ चलो देखते हैं कोई अंदर है या नहीं। Excuse me. अंदर कोई है? शायद घर खाली है, मेरा फोन लाना जरूरी था। ओके, तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। क्या, बिना पूछे फल तोड़ना गलत है? अब तो ठीक है ना, चलो आ जाओ। पके हुए फल तो बहुत ऊपर है। अब मैं ऊपर कैसे चढ़ूं? देखता हूं यहाँ कोई सीढ़ी है या नहीं। सीढ़ी की क्या जरूरत है, तुम बचपन में कभी किसी पेड़ पर नहीं चढ़े? नहीं, गिरने के डर से मॉम ने चढ़ने ही नहीं दिया। तो फिर मैं चढ़ूंगी, मेरा पूरा बचपन पेड़ों पर ही बिता है। संभल कर गिरना मत, पैर में चोट आ गई तो मुझे उठा कर ले जाना पड़ेगा। बकवास मत करो। आओ। क्या हुआ, पकड़ो ना, किस दुनिया में खो गए हो? हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं रेडी हूँ, चलो फेंको, इस बार मैं पकड़ लूंगा। चलो आती हूँ, लेकिन मेरी मदद करो, पकड़ो मुझे। ठीक है। भाई। ओ! मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था ना। सॉरी, क्या नाम? मुझे पता नहीं था तुम इतनी भारी हो। देखो ट्रैक्टर, जल्दी भागो, जल्दी। क्या कह रही हो, अब हम ट्रैक्टर से जाएंगे? यहाँ तुम्हारी लग्जरियस कार नहीं आने वाली, इसलिए जल्दी चलो, मेरे पीछे आओ। सुनिए, प्लीज रुक जाइए अंकल, रुक जाइए। अंकल, हमारे
हमारी कार बंद पड़ गई है, हमें रोड तक लिफ्ट दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच। जवाब तो दो, दोनों बैठ गए क्या? हाँ अंकल। तो चलते हैं। अच्छा हुआ हमें ये मिल गए, बचपन के बाद आज ट्रैक्टर में बैठी हूँ, मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। तुम्हें कैसे पता होगा, वैसे भी तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? बोलो क्या बात है। होटल पहुँचते हैं फिर आराम से बात करते हैं। जरूर कोई गड़बड़ वाली बात है इसलिए तुम मुझे बता नहीं रहे हो। वैसे दिखती बेवकूफों पर हो काफी स्मार्ट। कहना क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लगती हूँ उससे ज्यादा अक्लमंद हूँ, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझते हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कह दिया? हाँ मैं बहुत लेट हो गई हूँ। वेलकम मिस इदा। थैंक यू। ये बैग मुझे दे दो। ठीक है। एडा, लगता है तुम पूरा मॉल खरीद कर लाई हो। इतना सामान भी नहीं है। सुनो इन सारे बैग्स को मेरे रूम में रख दो। बरिस तुम्हें लेने आ रहा है ना? हाँ वो आ रहा है। तुम चाहो तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं डैड जरूरत नहीं है, वो मुझे पिकअप करने के लिए घर से निकल गया होगा। लेकिन तुम अब तक तैयार नहीं हो, जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। हाँ ठीक है। बोलो रिया। बेबी तुम वहाँ से निकल गई? नहीं बस अब निकलूंगी, मैं अभी घर पहुँचाऊँ। अगर तुम चाहो तो मैं पिकअप करने आ सकता हूँ। देखो अगर तुम्हें याद हो तो हम पिछली बार बाल बाल बचे थे और मैं फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ओके बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो क्या एडा भी बोथरूम जा रही है? हाँ। गुड, तो हम तुम्हारे घर पर मिल सकते हैं। बाय। मॉम आप किससे मिलने जा रही हो? सिनम के साथ मेरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ वरना ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। तुम्हारी बुराक से कोई बात हुई या नहीं? नहीं। कितना लापरवाह है वो, उसे पता है ना कि तुम आ रही हो। तुम वोल्कन को फोन लगाओ। सारी पैंट्स रख दी हैं, टी शर्ट्स रख दी हैं, मैंने वाइट ड्रेस लिया। ओके मिल गया। अरे ये ड्रेस के लिए जूते लेने होंगे, शायद ये सूट होगा। ठीक है तो मैं इसे रख लेती हूँ। अभी तो मुझे परफ्यूम भी पैक करने हैं। हेलो। हाँ बोलो। एडा रेडी हुई या नहीं? हाँ मैं रेडी हूँ। ओके स्वीटी मैं पहुंच रहा हूँ, सी यू। ओके सी यू। उसने मुझे स्वीटी कहा, काश वो मुझे माय लव कहता, या माय हार्ट माय बटरफ्लाई या माय बर्ड। कम ऑन एडा, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? बस हो रही हूँ। वैसे तुम कितने दिन रुकने वाली हो वहाँ पे? पैकिंग तो महीने भर की लगती है। आइडिया बुरा नहीं है। सुनो बच्चों, मैं तुम्हें यहीं ड्रॉप कर सकता हूँ, इससे आगे कैसे जाना है वो तुम देख लो। जरूर। लिफ्ट के लिए थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। अंकल कितने पैसे हुए? किस बात के पैसे, क्या मैंने तुमसे कोई पैसे मांगे थे? बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। थैंक यू। हेलो।
हेलो, क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम खाने के लिए कुछ ले लो, मैं भाई को बोलता हूँ गाड़ी भेजने के लिए। ठीक है? ठीक है। वोल्कान, बुराक तुम बोल रहे हो? अरे कहाँ हो तुम यार, मैं कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ। तुम कस्टमर की कार ले गए हो, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, यहाँ का एड्रेस क्या है? कायना डिस्ट्रिक्ट में हाईवे पर पहला पेट्रोल पंप। कायना डिस्ट्रिक्ट में हाईवे पर पहला पेट्रोल पंप है, वहीं गाड़ी भेज दो जल्दी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं आकर पूरा समझाता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं कार भेज रहा हूँ। ओह गॉड, ये भी ना कभी नहीं सुधरने वाला। सॉरी, जरूरी कॉल था। मेरी बात हो गई, कार जल्दी आ जाएगी। और मेरे सामान का क्या? वो भी मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, इतना काफी होगा क्या? हाँ। हे, हमें दो टी शर्ट्स दे दो। जरूर। अच्छा सुनो, मेरे लिए लार्ज साइज देना और इनके लिए भी लार्ज साइज। वेरी फनी, एक स्मॉल देना प्लीज। हाँ सर, टोटल कितना हुआ? 50 लीरा। वो क्या है कि वो लोग हमारे ऑक्शन पर नहीं आए थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। I'm sorry, मुझे कॉल लेना होगा। हाँ बोलो। चला। हेलो वोल्कन, बुरक फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हारे साथ है? नहीं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसका थोड़ी देर पहले कॉल आया था। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, और मैंने उसे पिक करने के लिए गाड़ी भी भेज दी है। लेकिन बुरक ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। मैं बोर्डरूम आ रही हूँ, मैं जल्द ही निकल रही हूँ। वोल्कन, क्या तुम प्लीज बुरक को बता दोगे? अच्छा सच में, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा फिर। ओके, तो मैं वहाँ आकर मिलती हूँ। ओके, सी यू, आराम से आना। हम होटल तो पहुंच गए हैं, बताओ क्या बोलना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम मेरी कजन की गर्लफ्रेंड बनो। गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो। एक मिनट, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग क्यों करूं? एक्चुअली क्लब से निकलते वक्त हम दोनों की फोटोज ली गई थी और वो आज टैबलॉइड्स में छपी गई है। क्या टैबलॉइड में? मेरी मॉम को पता चल गया तो मैं गई। डोंट वरी, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है। तो मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कहा, जो लड़की मेरे साथ थी, मतलब तुम, मेरी कजन की गर्लफ्रेंड है, वो यहाँ आज आ रही है, एंड आई एम श्योर वो तुमसे मिलना चाहेगी, तो आज हम सब मिलकर होटल की पार्टी में जाएंगे। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों, ऑफ कोर्स मैं नहीं आऊंगी। मना कर रही हो तुम? इतनी मुसीबतों में फंसाने के बाद तुम मुझे मना कर रही हो? तुमने भी मुझे कुछ कम प्रॉब्लम्स में नहीं फंसाया है। प्लीज मेरी बातों को तो रिपीट मत करो। सॉरी, लेकिन मैं किसी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं कर सकती। दूसरी लड़की पकड़ो। अरे दूसरी लड़की कहाँ से लाओ, उसने तुम्हें देखा है। तुमने कहा मेरा चेहरा नहीं दिख रहा? मतलब पूरी तरह से तो नहीं दिख रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना तुमने मेरी शर्ट पर उल्टी की थी। ओके फाइन,
लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, पार्टी के लिए तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदनी होगी। चलो चलते हैं। क्या मदद कर सकती हूँ? मैम को पार्टी में पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस चाहिए। क्या कोई अच्छी ड्रेस दिखा सकती हैं? बस अभी ले। तुम्हें चाहिए तो कुछ कैजुअल्स भी ले लो। क्या आप हनीमून पर हैं? आपकी टी-शर्ट्स कमाल के हैं। क्या कहा तुमने? ऐसा क्या है? तुम अपने वादे से मुकरोगी तो नहीं ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखो, मुझे धोखा मत देना प्लीज। तुम मुझे क्या समझते हो? कमरे से बाहर मत निकलना। प्रोग्राम अरेंज होते ही बता दूंगा, तब तक तैयार हो जाओ तुम। ओके। अब सिर्फ वोल्कान को कन्विंस करना बाकी है। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.